लेकिन सवाल है मेरे पास, टाटा मोटर्स इनके पास सर 400 शेयर है 200 रुपए के भाव पर। अच्छा शेख जी जुड़ गए शायद, हेलो सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी, वैसे टाटा मोटर्स से 200 एवरेज से 400 शेयर्स और टाटा पावर 200 एवरेज से 300 शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ मैं। ओके ठीक है, टाटा पावर भी आपने 200 रुपए बताया ना? जी जी ठीक है, दोनों ही शेयर 200 रुपए। तो टाटा मोटर्स की पहले बात कर लेते हैं जो हमारे पास है। बढ़िया जी, बधाई हो आपको, 876 ये फायदा हो रहा है हर शेयर पे इनको मानस जी, और 400 शेयर है, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। क्या करें टाटा मोटर्स में? तो देखिए टाटा मोटर में बने रहिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट बेहतरीन लगते हैं। 1275 तक के टारगेट पॉसिबल है, करंट लेवल से 200 रुपए तक की रैली आपको 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकती है, और आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर 900 रुपए के नीचे ही लगाना पड़ेगा क्योंकि आपका जो आउटलुक है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए है। टाटा पावर में कंसोलिडेशन दिख रहा है यहाँ पर, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसके हिसाब से भी देखिए तो 460 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है चार्ट पे। अब आपको काम करना है 380 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजिशन को होल्ड करना है, क्योंकि अगर ये 460 रुपए के ऊपर निकलेगा तब तो आपको शायद 600 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कंसोलिडेशन दिख रहा है इसलिए यहाँ पर बने रहिए, 200 दिनों का मूविंग एवरेज 380 है, उसी के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। वाह, तो शेख साहब टाटा के दोनों शेयर आपके लिए तो बहुत फायदेमंद साबित हुए। टाटा पावर की हम बात करें तो आपकी खरीदारी 200 रुपए की है, ऑलरेडी शेयर 418 पर है, 600 तक जाने का आप बता रहे हैं आगे, तो 380 का स्टॉप लॉस लगाइए और इस फायदे को और बढ़ता हुआ देखिए। और दूसरा आपने पूछा था टाटा मोटर्स, वहां पर भी आपकी खरीदारी शानदार थी और आपको 1275 तक के टारगेट जब हम दे रहे हैं यहाँ पर मानस साहब, यानी और कमाई बढ़ने वाली है, स्टॉप लॉस जरूर 300 माफ कीजिएगा यहाँ पर लगा लीजिएगा, कितना बोला था आपने 1276 रुपए का, राइट 900 रुपए का, माफ कीजिए 900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइएगा और आगे 1276 तक के टारगेट्स के लिए वेट कीजिएगा। तो बहुत बहुत बधाई है शेख साहब को।